अगला एग्जाम्पल हमारा आता है कि अंडरस्टैंड द फॉर्मूला आर्गुमेंट। तो बुक के हिसाब से हम बताएंगे आपको कि फॉर्मूला आर्गुमेंट कैसे कैसे समझे किसी फॉर्मूले को। जैसे कि मान लीजिए कि हमने फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, इस चीज को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग फंक्शन आर्गुमेंट हमारा अगला चैप्टर है जिसपे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। जब भी फॉर्मूला हम लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे इक्वल दिया और हमने कोई फॉर्मूला लिखा, जैसे हमने फॉर्मूला आई लिखा, तो जितने फॉर्मूले के लिस्ट है इसके नीचे आ जाएंगे आप, और जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको उस फॉर्मूले को एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस तरह से एरो की प्लेस कीजिएगा तो ऊपर नीचे फॉर्मूले में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला का एक शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट नॉलेज आपको यहाँ है। अब जिस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है जस्ट उसको टैब प्रेस कर दीजिए, आपके सामने वो फॉर्मूला आ जाएगा पूरा का पूरा लिखा। और नीचे जो आता है इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। इसमें तीन आर्गुमेंट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉजिकल टेस्ट जो है नॉर्मल है, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है वो रिक्वायर्ड है। अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये मुझे नहीं आने देगा, हमें बाहर नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने दिया बाहर? क्योंकि लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है। हमें लॉजिकल टेस्ट जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इक्वल टू जीरो एंड कॉमा दे दिया, मतलब कि हमने लॉजिकल टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे बाहर आने देगा। और ये फॉर्मूला, ये जो चीजें सिर्फ इसमें ही नहीं, जैसे कि अगर आप लगाते हैं इफ एरर, तो इस एरर में देखिए दोनों के दोनों विदाउट ब्रैकेट है, मतलब क्या ये दोनों रिक्वायर्ड है। अगर आप वी लुकअप लगा लीजिए तो वी लुकअप में देखिए लुकअप वैल्यू टेबल एरर इंडेक्स नंबर क्या है, रिक्वायर्ड है, रेंज लुकअप ऑप्शनल है। उसी तरीके से आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में देखिए, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में भी सेम इसी तरह से आपको दिखेगा कि आपका इंस्टेंस नंबर जो है ये आपका ए है, क्या बोलते हैं ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल और रिक्वायर दो चीज समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि आर्गुमेंट का नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जैसे कि आपने इफ दिया तो इफ में आपको तीन आर्गुमेंट दिख रहा है, अगर आप इफ एरर देते हैं तो इफ एरर में आपको दो आर्गुमेंट दिख रहा है। तो ये तो फिक्स आर्गुमेंट है, कुछ ऐसे होते जो फिक्स नहीं होते, जैसे कि सम। तो सम के अंदर में आप देखेंगे कि नंबर वन, नंबर टू और लास्ट में डॉट 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 दिया हुआ है, तीन डॉट। इसका मतलब हुआ कि नंबर्स, मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से आप अगर बात करें इसकी सम इफ की, सम इफ्स की, तो सम इफ्स में आपको यहाँ पे सम रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज और यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ। अब यहां पे देखिए कि ये कोई ऑप्शनल रिक्वायर नहीं है, अगर आपने तो डाला तो डालो वरना ना डालो, ये ऑप्शनल और रिक्वायर का झंझट नहीं है, ये नंबर्स है, अपने हिसाब से दे सकते हो। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आर्गुमेंट होता ही नहीं है, जैसे कि नाउ फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूले में आप देखेंगे टैब देंगे तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिखेगा। इसी तरह से एक नौ फॉर्मूले तो ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं एड इन के जो आपको लिस्ट में दिखेंगे ही नहीं, जैसे कि डेट एड इफ, डेट डी आई एफ। अब जैसे ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे तो नीचे आर्गुमेंट के लिए सिर्फ नाम आएगा और उसके आगे कुछ नहीं आएगा। अगर फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो इसका फंक्शन का हेल्प भी अवेलेबल नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एड इन फॉर्मूला है, ये एक्सेल की फॉर्मूला नहीं है, बाद में एक्सेल में एड की गई फॉर्मूला। बात आती है, अब ये हो गई फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में हम समझ गए। अब बात करते हैं कि यहां पे
गेटिंग हेल्प फ्रॉम द इंस्टॉल फंक्शन भी जा। अब मान लीजिए कि अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल फॉर्मूला जो है, फाइनेंशियल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है यहाँ पे DDB, मुझे इसके बारे में पता नहीं, तो बेटर रहेगा कि आप पहले हेल्प पे आ जाए। हेल्प पे आने के बाद DDB का यहाँ पे आपको निकल जाएगा डिफिनेशन की क्या डिपेंड करता है, डिप्रिसिएशन अमाउंट रन करता है। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपको इनके डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स है उनका मिलेगा। यहाँ पे इज द कॉस्ट द असेस्ड, इस पे क्लिक किया, इज सैलवेज वैल्यू एंड ऑफ द लाइफ फॉर असेस्ड लाइफ, इज अ नंबर ऑफ पीरियड ओवर विच हैव असेस्ड रिंग द डिप्रिसिएट सम टाइम कॉल द यूजफुल द असेस्ड लाइफ ऑफ द असेस्ड पीरियड फैक्टर। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि इसमें इनपुट क्या डालना है और यही पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। फिर भी आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं इस पे और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो हेल्प ऑन दिस फोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका हेल्प खुल के आ जाएगा और हेल्प में आपको इसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो ये आपका था आर्गुमेंट के बारे में। अब छठे नंबर पर आते हैं, अब छठे नंबर पर बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला एरर। देखिए कई तरह के एरर होते हैं फॉर्मूला में, जैसे कि हमने लगा दिया कि नेम का एरर आ गया, हमने इसको किसी जीरो से डिवाइड किया तो DIV का एरर आ गया, एनए का एरर आता है, तो सारे एरर के यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है एरर टाइप, उसमें सारे एरर का लिस्ट आया कि एक्सेल में किस तरह के एरर्स आपको मिलते हैं। अब इस एरर्स को समझ जाइए, सबसे पहले आपका एरर जो है वो नल का है, तो नल का जो एरर आता है एज पर बुक दिया हुआ है कि दिस एरर वैल्यू means the formula used and intersections of two range then don't intersect। लेकिन जहां तक मैं इसका यूज किया हूं तो मुझे क्या हुआ है, जैसे हम लोग डेटाबेस और बहुत सी चीजों से जब डेटा इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे ब्लैंक वैल्यू होती है, तो उस ब्लैंक वैल्यू को यहाँ नल के ऊपर आता है। और जो बुक में दिया गया है ये भी सेम चीज है कि जब हम दो रेंज को इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती, इंटरसेक्ट नहीं होता है तो नल का एरर आता है। DIV का एरर आता है जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो DIV का एरर आता है। अगर हम बात करें इसमें वैल्यू का, तो वैल्यू का जो एरर आता है वो वैल्यू का एरर आता है एज पर यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि दिस एरर वैल्यू मींस दैट यूज योर फॉर्मूला यूज द रॉन्ग डेटा टाइप फॉर द ऑपरेशंस, मतलब जो इनपुट इसको चाहिए आपने वो इनपुट इसको नहीं दिया है तभी ये एरर दिया है। देन RF रेफरेंस का एरर होता है कि जो आपने रेफरेंस सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने A को सिलेक्ट कर लिया, बाद में मैंने कॉलन A को डिलीट कर दिया, तो जो रेफरेंस हमने दिया है और रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और डिलीट हो गया है या गलत है तो वहां पे आपको RF का एरर आएगा। नेम का एरर कब आता है कि आपने ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई रेफरेंस आपने एंटर कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, टाइपिंग मिस्टेक हो या हो सकता है कि आपने अपर वर्जन का फॉर्मूला लोअर वर्जन में रख दिया हो तो आपको इस तरह के एरर दिखेंगे। नेम का एरर मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक या फिर वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो नेम का आता है। नम की बात करें तो नम का आता है जैसे कि यहां पे कि आपने जो आर्गुमेंट दिया हो इनवैलिड है, वो नंबर ऑफ रिपीटेशन से ज्यादा है, मतलब कि उसको एक चाहिए था आपने दो बार दे दिया, या फिर कहीं से डेटा लुकअप कर रहा है वो उसको एक बार लुकअप करने से डी गेट का फॉर्मूला में होता है,
डीके के फॉर्मूले में रिजल्ट जो आपने जो कंडीशन दिया वो सिंगल होना चाहिए, अगर डबल हुआ तो नम का एरर आता है। इनमें का एरर आता है कि किसी भी खासकर लुकअप फंक्शन में आता है, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, ऐसे फॉर्मूले में होता है कि जो आपने डेटा फाइंड कर रहे हो वो डेटा अवेलेबल ही ना। अब इसमें क्या आता है, गेटिंग डेटा एरर। अब इसमें जो बुक में नहीं दिया हुआ है, ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ, गेटिंग डेटा एरर मतलब क्या होता है कि आपने किसी डेटाबेस से, किसी वेबसाइट से आपने डेटा को इंपोर्ट किया लेकिन इंपोर्ट नहीं हुआ, किस कारण से कनेक्शन टूट गई, पासवर्ड गलत हो गया, फाइल मूव हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। सर ये मैं माफी चाहूंगा, मैं एरर के पैसे नहीं जानता, डॉन तो मतलब कोई एरर समझ में नहीं आया। हैश फील्ड का एरर आता है जब हम ये करते हैं पावर क्यूरी यूज करते हैं, उसमें कंडीशन गलत हो जाती है तो इसका एरर आता है। फिल्टर फॉर्मूले में भी एरर आता है, और शॉर्ट ये कैश का यूज आता है आपका शॉर्टिंग में, जब शॉर्टिंग कर रहे हो लेकिन शॉर्टिंग का कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे इसका एरर दिखाता है। ये देखिए हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स, आप एरर को समझ गए होंगे कि एक्सेल में किस तरह का एरर आता है और कब आता है, और जाहिर सी बात है इस एरर को रिमूव करना आपको, तो इसको आप कर दीजिए इस एरर का, उस एरर के जगह पे ब्लैंक दे देगा, कुछ नहीं देगा, मतलब कि इस फॉर्मूले को जो फॉर्मूला एरर दे रहा है उसको इस एरर के अंदर में डाल दीजिए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला भी जो है बुकिंग दिया हुआ वो है यूज्ड नेम रेंज मेथड, यूजिंग द नेम रेंज मेथड। हम बात कर रहे हैं अगले बुक के अगले एग्जांपल्स में, 101 बुक के अगले एग्जांपल्स की, वो है यूजिंग नेम रेंज। जी हाँ, अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया कि नेम रेंज क्या होता है, मतलब कि किसी नेम को किसी एड्रेस जो है हम एड्रेस A2 कर दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है क्रिटिकल नेम के जगह पे एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं। जी हाँ, एक शॉर्ट नेम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ, मैं रैम डिक्शनरी का फॉर्मा लगा के कुछ डेटा को ले लेता हूँ, मान लीजिए कि इस फाइल के अंदर कहीं भी मुझे इसको यूज करना होगा तो मुझे इसका रेंज देना होगा A1 से लेके F1। इसमें सीट का रेफरेंस नहीं आया, लेकिन मैं किसी अनुदर शीट पे जाता हूं, अनुदर शीट पे अगर मैं यहाँ पे सम देता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं तो पूरा का पूरा सीट नेम के साथ आता है। मैं चाहता हूं नहीं, कुछ ऐसा छोटा सा नाम, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए फॉर्मूला मेनू बार में। जी हाँ, हम चले गए कहाँ, फॉर्मूला मेनू बार में, और फॉर्मूला मेनू बार में हमने डिफाइन नेम में यहाँ पे हमने इसका नाम डेटा रख दिया। मुझे कहीं भी सम करना होगा जस्ट डेटा का हम यूज करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट। एक और दिक्कत है कि इसमें आपको नीचे तक ड्रैग करना पड़ता है, ड्रैग करने पे आपका रेफरेंस देखिए चेंज हो गया ना, A2 से A6 हो गया, बट आपका इसमें डिफाइंड नेम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, डिफाइंड नेम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारे फॉर्मूले में हम इसी का यूज करते हैं कि हम डिफाइंड नेम ले लेते हैं ताकि हमें फ्रीज वगैरह करने का झंझट ना हो, लेकिन जो फिक्स एरिया है उसी का हम डिफाइंड नेम करते हैं। डिफाइन नेम के बारे में और ज्यादा समझना है तो आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें, इंसर्ट में स्पेशल सॉल्यूशन पे आए, यहाँ पे मिलेगा लोन ऑथराइजेशन। ये बने बनाए आपके पास एक फॉर्मेट होता है जो एक्सेल आपको बना के देता है, उसको ओके कीजिएगा तो ये आपका है। एक है कि लोन शेड्यूल है, क्या कोई लोन लेना है तो उसके लिए ये प्रोटेक्टेड होता है, रिव्यू में जाके आप इसको अनप्रोटेक्ट सीट कर दीजिए।
अब इसके लिए लोन अमाउंट हमारा 50,000 है, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 5% है, लोन पीरियड 6 साल का है और नमो पेमेंट 12 साल में दिया जाता है और लोन स्टार्ट मान लीजिए आज से। ये पूरा का पूरा लोन का शेड्यूल कैलकुलेट कर देता है कि टोटल पेमेंट 800 रुपए का होगा, 72 किस्त जाएगी, इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा और किस डेट को कौन इंटरेस्ट जाएगा और कितना बैलेंस बचा होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे बैलेंस 50,000 रुपए है, हम 800 रुपए का शेड्यूल पेमेंट है, इसमें टोटल पेमेंट इतना होगा, इसका प्रिंसिपल इतना होगा, इंटरेस्ट इतना होगा और बच कितना जाएगा, इतना बच जाएगा। अभी तो इंटरेस्ट हमने कितना दिया 208, एक कम्युनिटी इंटरेस्ट होते चला जाएगा। अब इसमें एक चीज खासियत देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कोई भी रेफरेंस नहीं दिख रहा है, दिख रहा है एट द रेट पे नंबर, यहाँ पे स्टार्ट डेट, स्टार्ट यहाँ पे नंबर, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, लोन स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पे लोन अमाउंट, यहाँ देखिए इंटरेस्ट में दिख रहा है आपको। तो इसने क्या किया है कि इसने फॉर्मूला मेनू बार, इसमें जाइए फॉर्मूला मेनू बार में, नेम मैनेजर में इतने सारे नेम को इसने डिफाइन कर रखा और सिर्फ नेम में आप रेफरेंस का नेम ही नहीं दे सकते, इसके अंदर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे सिर्फ रो नंबर का, रो का फॉर्मूला लगा रखा है, यहां पे देखिए इफ का फॉर्मूला लगा रखा है, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्यों करते हैं, कहां पे कैलकुलेशन हम करते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कहां पे कैलकुलेशन करें। तो एक बार मैं इस सीट को डिलीट कर देता हूं, पानी में आ गया अंदर। तो लोन कैलकुलेट कहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए इसके बारे में बताते हैं आप। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है और यहाँ पे ग्रोथ निकालना होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट और डिवाइड बाई ओल्डेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाता है परसेंटेज। बट प्रॉब्लम है कि एक कैलकुलेशन मैं तो लगा पाता हूँ लेकिन मेरे जो कलीग है, मैनेजर्स हैं या फिर मेरे जूनियर्स हैं, वो नहीं लगा पाते क्योंकि एक्सेल में बहुत कमजोर है, एक्सेल बहुत कम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद ध्यान रखिए कर्सर हम सेम लोकेशन पर रखेंगे। फॉर्मूला में मैं डिफाइन नेम में आऊंगा और यहाँ पे जीआर नाम से डिफाइन कर दिया और यहाँ रेफरेंस के जगह पे उसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्राइक, इसमें जो है ना डॉलर साइन नहीं लगना चाहिए, अगर डॉलर साइन लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब में एक ही का रिजल्ट है, ओके कर दिया। अब देखिए अब मुझे लगाना होगा फॉर्मूला, तो जस्ट इक्वल जी आर लिखूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम है ना 86। अब मुझे जस्ट जी आर को लिखना है और मेरा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में इस तरह से हम डिफाइन नेम में अपना फॉर्मूला को इंक्लूड कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस एग्जांपल में, और डिफाइन नेम में हर तरह का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी आता है कि आपका जो नेम बॉक्स है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स के बारे में हमने बताया आपको कि हम यहां से फॉर्मूला अप्लाई, जो रिसेंटली यूज्ड फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं डिफाइन, और उसके अलावा हम नेम को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके मुझे इसका नाम चाहिए तो फॉर्मूला मेनू बार में जाके डिफाइन नेम ना करके हम यहाँ नेम बॉक्स में भी हम नेम को डिफाइन किया जा सकता है, बस लिखिए और टाइप कर दीजिए, यहां से भी नेम को डिफाइन किया जा सकता है।
आप लोगों का माने कि मजा आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे हैं क्लास में? नहीं सर, बाकी चीज तो कॉमन है इसमें। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग ए रनिंग टोटल, कि आप एक्सेल में रनिंग टोटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां हमने मंथ दे दिया, मंथ और मंथ के बाद हमें ये हमारे प्रोडक्ट के सेल्स है, और यहां पे हमने टोटल ऐड किया और यहां पे हमने आठ टोटल कर लिया। तो यहां पे मैं जैन फैब यहां देखता हूं दिसंबर तक, और रैम बिटवीन की मदद से हम यहां पे कुछ नंबर्स आ रहा है। और फिर इसको हम यहां तक ड्रैग कर देते हैं। अब मैं यहां पे सम का फॉर्मूला लगा के इसको रनिंग टोटल, ये जो टोटल आपका आ रहा है मंथ वाइज टोटल आ रहा है, हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। क्यूमुलेटिव टोटल मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि जनवरी में कितना टोटल था, तो जनवरी में मान लीजिए टोटल था, फरवरी में तो फरवरी में जो है टोटल हुआ ए प्लस आ गया। तो नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ट्रेडिंग टोटल दिख जाए। ये तो हुआ, हमने क्या कर दिया, जस्ट दो, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमने इक्वल प्रेस किया और पहले मंथ का टोटल को सिलेक्ट कर लिया, फिर नीचे हमने क्या किया कि दूसरे मंथ का टोटल प्लस आठ टोटल हमने सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाला, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया तो ये हमारा टोटल आ गया। लेकिन एक और तरीका इसका आता है, वो होता है कि सम का, कि सम हमने लिया F2 से F2, ध्यान रखिएगा हमने क्या किया F2 से F2, और हमने पहले वाले F2 को F4 से फ्रीज कर दिया और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया। इसमें क्या हुआ, ये आपका F2 से F3, क्योंकि हमने पहले वाले को फ्रीज किया दूसरे वाले को छोड़ दिया, तो जब इसको नीचे ड्रैग किया तो F2 से F3 हो गया, यहाँ F2 से F4 हो गया। जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ा उस तरह से अपना वैल्यू को इंक्रीज करते हुए यहाँ पे आपका टोटल गिरते चला। और ये मेथड हम आगे भी यूज करेंगे, ये टोटल करना आपको हम नहीं सिखा रहे हैं, बट इसकी जो मेथड है इसको हम आगे काउंट इफ में, मैक्स में, बहुत सारे जगहों पे यूज करें। समझे?
लेकिन एक इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल ऑफिस में। तो सर आज ऐसे सिस्टम भी काफी हैंग हो रहा है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? सिस्टम काफी स्लो चल रहा है हमारा। और अगर आपको इस तरह की चीजें अच्छी लगी तो मुझे आप बताइएगा, नेक्स्ट वीकेंड में भी मैं इसी तरह के एक क्लास आपके लिए अरेंज कर दूं, ठीक है सर?